सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, अब्बास अंसारी को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए जब उनके साथ खड़ा नहीं होना था। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार। बलिया पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों पर कहा कि अब्बास अंसारी को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए जब उनके साथ खड़ा नहीं होना था। हमने जिसको अपने सिंबल से लड़ाया उसके साथ खड़े हैं और बीजेपी के सिंबल पर जो लोग चुनाव लड़े हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। अपने समाज के बारे में कहा कि बलिया में मैं इनको सचेत करने आया हूं, जागरूक करने आया हूं, राजनीतिक चेतना को जगाने आया हूं। यह दूसरे के लिए काम करते थे, अपने लिए नहीं, सचेत नहीं थे। झंडे की कीमत धीरे धीरे अभी इन लोगों में आया है और नगर पंचायत के चुनाव में समीक्षा करने भी आया हूं कि जो मेरा कार्यकर्ता चुनाव जीतने लायक है उसके लिए मैं बीजेपी पार्टी से बात करूंगा कि वह सीट उनको दीजिए और आगे 2024 के चुनाव में तैयारी के लिए बीजेपी से मेरा अटूट गठबंधन है। हमारा 2024 में ऐतिहासिक इतिहास रचकर मोदी जी को पुनः हाथों को मजबूत किया जाए। वही ओम प्रकाश राजभर अगर पार्टी में आते हैं तो क्या आप अपनी पार्टी में लेंगे के सवाल पर कहा कि देखिए हम एनडीए के घटक दल हैं, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं, सहयोगी दल हैं और जो भी बात होगी वह एनडीए बीजेपी से बात करने के बाद जो भी निर्णय होगा वह लिया जाएगा। क्या उम्मीद की जाए कि अगर ओम प्रकाश राजभर की जी आपकी पार्टी में अगर आना चाहेंगे तो क्या आप लेंगे अपनी पार्टी में? देखिए हम एनडीए के घटक दल हैं, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं और सहयोगी दल हैं, तो जो भी कुछ होगा वो एनडीए से बातचीत करके और एनडीए क्या करती है, वो जहाँ बड़ी पार्टी है, बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी, तो कोई भी मामला होगा तो बलिया में इनको हम सचेत करने आए हैं, जागरूक करने आए हैं, इनको राजनीतिक चेतना जैसे सदियों से अपने अपने लिए सचेत नहीं थे, दूसरे के लिए काम करते थे। तो झंडे का कीमत इन्होंने अभी धीरे धीरे आया है और नगर पंचायत के चुनाव पर भी इनसे समीक्षा करनी थी कि जहाँ भी हमारा कार्यकर्ता अगर उस लायक है, जितने लायक है, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, उनसे मैं कहूँगा कि वो सीट को उनको दीजिए अपने कार्य, क्योंकि पार्टी बनती है चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए, वैसे इनको लेना था और आगे 2024 की तैयारी करनी थी। आप एक ऐतिहासिक रूप से अगर अटूट गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हो गए और एक इतिहास रचकर 2024 में पुनः मोदी जी को खत्म सकते हैं। अब्बास अंसारी को अपने टिकट से लड़ाए थे, आज कह रहे हैं कि वो हमारे पार्टी में नहीं, वो हमारे सदस्य ही नहीं है, उसका जवाब तो होना चाहिए। ये राजनीति की ये हास्यास्पद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह हम तो जिसे अपने सिंबल से लड़ाए उसके साथ खड़े हैं, जिससे भाजपा के सिंबल से लड़ाए उसके साथ भी खड़े हैं, मतलब इनको उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए अगर नहीं खड़ा रहना है तो।